उन्होंने इंतजाम भी अपने घर पर किए हुए थे। हाँ, उनके बॉडीगार्ड थे 3-4, लेकिन बता रहे हैं कि अभी 2 बॉडीगार्ड छुट्टी पे गए हुए हैं, इसलिए वो शायद 1-2 गनमैन ही होगा उसके पास। आज इस पूरे मामले में कोई गनमैन को भी गोली लगने की सूचना है? उनके कोई उनके सिक्योरिटी गार्ड को भी गोली लगी है आज? हाँ, एक उनके गार्ड को गोली लगी और एक उनके साथ एक लड़का रहता है अजीत बना, उसको भी गोली लगी। एक बात मैं कहना चाहूंगा, गोली कहाँ का लगी है अभी तक गोगामेडी जी? देखिए, जो मुझे तो बड़ा मैं अंदर जाके देख नहीं पा रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि सर में गोली लगी और सीने में भी गोली लगी। एक मेरा सवाल है कि ये जो घर था जहाँ पे आज हमला हुआ है, वहाँ पे कौन था मौजूद उसके अलावा? उनके अलावा तो वो सुखदेव था, उसके 2 आदमी थे, बाकी मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैं तो सीधा यहाँ झोटवाड़ा से सीधा ही यहाँ पहुँचा हूँ। कैमरों में कोई संदिग्ध नजर आए? अभी तक तो कोई सूचना नहीं है। देखिए, ये उनके मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये उनके चाचा जी काकोस हैं, रिश्तेदार हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी के। उनका कहना है कि आज जब ये हमला हुआ तब घर में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि इस घर में अक्सर सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनके करीब 4 गनमैन ही रहा वहां पर करते थे। एक शेर सिंह है, उनसे भी हम बात करें जानकारी। सर, क्या सुखदेव शेर सिंह जी क्या सूचना ये आज? सूचना ये थी कि सुखदेव भाई साहब घर पे मौजूद थे, पहले से इनकी रेकी की गई है और रेकी करने के बाद में उनको मालूम चला है लोगों को कि ये 2 लोग गार्ड हैं, वो छुट्टी पर हैं, और 3 गार्ड लगभग मौजूद होते हैं। वो स्कॉर्पियो गाड़ी से आते हैं और आते ही कहते हैं कि हमें सुखदेव जी से मिलना है, और मिलने के बहाने जब गार्ड उनको अंदर लेके जाता है, 1-2 मिनट की जैसी चाय पानी की छोटी सी बात होती है, इतने में वो फायर कर देते हैं। लगभग 4 गोलियां सुखदेव जी भाई साहब को लगी है और एक नरेंद्र सिंह जी जो गार्ड है उनको भी लगी है, वो काफी सीरियस है, वो भी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर है, और अजीत सिंह जी उनके साथी हैं, उनको भी गोलियां लगी है, क्रिटिकल काफी मामला है। और पहले से इनको धमकियां मिल रही थी, पाकिस्तान से भी धमकियां मिल रही थी, बाहर के लोगों से सुरक्षा की मांग की थी, सरकार शासन प्रशासन से भी हमने मांग करी थी कि भाई इनको सुरक्षा मिले, लेकिन कुछ समय तो सुरक्षा मिली, लेकिन उसके बाद में कोई सुरक्षा नहीं मिली। जी, हाँ, उनको पूरी रेकी की हुई थी, गोगामेडी जी अंदर ही मौजूद होते हैं और गार्ड साहब को कहते हैं कि साहब कोई मिलने के लिए आए हैं आपसे, और आपको जैसे आप मालूम है भी इलेक्शन खत्म ही हुए हैं, तो मिलने के बहाने कोई ना कोई और सुखदेव जी के पास में कोई ना कोई आते ही रहते हैं। अच्छा, मेरा एक कहना है कि इनको जान से मारने की धमकी कब से मिल रही थी, पहली बात। दूसरी बात है, कितने सिक्योरिटी गार्ड इन्होंने अपने ही खर्चे पर रखे हुए थे और पुलिस ने सुरक्षा क्यों नहीं दी? तीसरी सवाल, देखिए, लगभग आज 2 गार्ड छुट्टी पे थे और 2 गार्ड आज मौजूद थे, लगभग 4-5 अमूमन गार्ड होते हैं, लेकिन इनकी पहले से रेकी की हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि इनको दूर दराज से काफी धमकियां भी मिल रही थी, उन्होंने पुलिस से सुरक्षा भी मांग की थी, क्योंकि ये सर्व समाज की आवाज को उठाते थे और मुखर होकर उठाते थे। आज उन्होंने मौका का फायदा उठाया और एक गाड़ी से आते हैं और योजनाबद्ध तरीके से आते हैं घर में मिलने के बहाने, ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि हम हमला करने के लिए आए हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से आते हैं और घर के अंदर घुस के और फिर उनके ऊपर फायर किया जाता है। कौन हो सकते हैं ये हमलावर? चूंकि अगर कभी बात हुई होगी भाई राजपूत नेता थे, तो कौन उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, कौन है हमलावर? देखिए, ऐसा तो मैं स्पष्ट नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ी बहुत सूचना ऐसे भी मिल रही है कि शायद एक आदमी को शायद पुलिस ने पकड़ लिया है या गिरफ्तार कर लिया, ऐसा सूचना है, लेकिन अभी पुख्ता नहीं है। बात ये सामने आ रही है कि हमला करने के लिए स्कॉर्पियो से आए थे, लेकिन भागते वक्त उन्होंने स्कूटी का इस्तेमाल किया, ऐसी भी जानकारी आ रही है, क्या ऐसा सही है? देखिए, वो जो गली है जहाँ भाई साहब वो रहते हैं वो बंद गली है, उसमें गाड़ी को फिर बैक लेना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से, हो सकता है उन्होंने स्कूटियां वगैरह अपनी वहां खड़ी कर रखी हो और 4 व्हीलर को वहीं छोड़ दिया और स्कूटियों से इनसे भागने की सूचना है। ये बात साफ हो पाई है कि जिस स्कूटी से वे लोग भागे वो स्कूटी किसकी थी? नहीं, अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, बाकायदा घर के बाहर और अंदर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं और फुटेज सामने आती है, सब जानकारी मिली है। सामने आए कोई अभी हम सब लोग पहली प्राथमिकता थी भाई साहब को बचाना, उनके साथियों को सबको बचाना, तो जितने भी लोग भाग, जैसे सूचना मिली आनंद फानंद में सबके फोन आने लग गए, तो अब हरे का फोन उठा नहीं पाए। उस वक्त कौन था, कौन उनको हॉस्पिटल लेके पहुंचा? घर में तो गार्ड वगैरह यही मौजूद थे और एक जो परिजन आस पड़ोस वाले शायद वो लेके पहुंचे हैं, मुझे 5-7 मिनट का टाइम लगा है, मेरे को जैसे ही सूचना मिली फोन के माध्यम से कि उन पे अटैक हो गया है, तो और मेट्रो मास्क जल्दी से जल्दी क्या डेथ डिक्लेयर कर दिया उनको? अभी कहना जल्दबाजी होगी, बाकी मामला बड़ा क्रिटिकल है। देखिए, समर्थक जो है, जो ये राजपूत कर्णी सेना के जो पदाधिकारी, उनका कहना है कि आज हमले के वक्त में सुखदेव सिंह गोगामेडी घर पर अकेले थे, 4 फायरिंग, 4 गोलियां उनके सिर में, उनके सीने में उनके मारी गई है, और उसके अलावा 2 जो उनके सुरक्षा कर्मी थे, जो निजी जो कह सकते सिक्योरिटी गार्ड थे, बॉडी गार्ड थे, उनको भी गोलियां मारी गई, जिनमें एक का नाम अजीत सिंह, दूसरे का नाम नरेंद्र बताया जा रहा है, उनको खातीपुरा के एक निजी हॉस्पिटल में ही ले जाया गया है, और वहीं पर सुखदेव सिंह गोगामेडी को मेट्रोमॉस हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पर उनके समर्थकों का कहना है कि काफी नाजुक हालत है, लेकिन कुछ का ये कहना है कि वो दम तोड़ चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल जानकारी कुछ देर के बाद सामने आ सकेगी। दुआएं सभी लोग कर रहे हैं विष्णु, दुआओं का सिलसिला लगातार जारी है, और यही दुआ सभी लोग कर रहे होंगे कि जो ये अपडेट सामने निकल कर आ पा रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है, वो उसे नकार दिया जाए और वो सुरक्षित हो, उनकी हालत में सुधार हो जाए। ये मैं देख पा रही हूँ विष्णु, आपके पीछे बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो इकट्ठा हो चुकी है, उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, स्थिति को संभालने के लिए पुलिस का जब्ता कितना तैनात है वहां पर?
देखिए बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे ही सुखदेव सिंह गोगा मेडी को गोली मारने की खबर आई, उसके बाद सैकड़ों की संख्या में राजपूत कर्णी सेना के जो जो पदाधिकारी हैं, जो समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। उसी लिए पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर लगाया गया। यदि जो लेफ्ट साइड में पुलिस का जाब्ता है, जो मानसरोवर, शिप्रापद और मुहाना आसपास के जो भी थाने उनका जाब्ता यहाँ पर यहाँ पहुंचा दिया गया, अधिकारी यहाँ मौजूद है। वहीं पर मैं आपको पीछे की तरफ दिखाऊंगा, तो देखिए हॉस्पिटल के बाहर सैकड़ों की संख्या में राजपूत कर्णी सेना के पदाधिकारी, राजपूत समाज के जो 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 लोग हैं, अधिकारी, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बाहर से लेकर के यदि मैं कहूंगा तो जो हॉस्पिटल के बाहर से लेकर हॉस्पिटल के अंदर तक सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा है। देखिये इस एम्बुलेंस में अब सुखदेव सिंह गोगा के शव को ले जाने की जो कार्रवाई जो है अब शुरू होगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसी एम्बुलेंस में सुखदेव सिंह गोगा मेडिक को मृत घोषित कर दिया गया है, और इसी एम्बुलेंस के जरिए इसी एम्बुलेंस में सुखदेव सिंह गोगा मेडिक को संभवतः SMS हॉस्पिटल जाएगा चुकी पूरा। तस्वीरें दिखाइएगा विष्णु, शव को यहीं पर देखे। मैं देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि अभी हो सकता है कि शव को यहाँ से जो कार्यकर्ता है वो उठने ना दे, ऐसी सूचनाएं भी आ रही है। हालांकि एम्बुलेंस को यहाँ बुला लिया गया है, चूंकि पूरा जो मामला है वो मेडिकल लीगल से जुड़ा हुआ है, ऐसे में मेडिकल जुलूस की जरूरत पड़ेगी। ये निजी हॉस्पिटल है, तो जो बचाने की जो उनको जिद्दोजहद थी, जो एक्शन था वो यहाँ पर भरपूर डॉक्टर ने कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार डॉक्टर भारी कोशिशों के बावजूद भी उनको बचा नहीं पाए, चूंकि लाने में काफी देर हो चुकी थी, काफी खून बह चुका था सिर में और सीने में, काफी 4 गोलियां लग चुकी थी। ऐसे में उनको बचाया नहीं जा सका, ऐसी जानकारी अब तक जो राजपूत कर्णी सेना के जो पदाधिकारी वो उनको फोन पर भी और भी बता रहे हैं। इसीलिए अभी एम्बुलेंस यहाँ पर बुला ली गई, लेकिन चूंकि पदाधिकारी जो है वो अंदर इमरजेंसी में मौजूद है, तो अभी कुछ देर में साफ हो पाएगा कि स्ट्रेचर जो है वो निकाल दिया गया। और इसीलिए जरा बात करिएगा आपके पीछे, ठीक है, ये तस्वीरें सीधी अपनी दिखा रहे हैं मौजूद है क्या ये? देखें बिल्कुल, मैं बात करूंगा, ये विष्णु प्रताप सिंह है। विष्णु जी, क्या इस हमले को कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं तो एक चीज जानता हूँ, ये राजस्थान के एक बहुत बड़े नेता के साथ में, जिसको लगातार धमकियां मिल रही थी, उस नेता के साथ में यदि पुलिस प्रशासन को यदि उन्होंने कहा भी है, कंप्लेंट भी करी है, तो साथ देना चाहिए, और यदि उनकी कंप्लेंट पे कार्रवाई करनी चाहिए थी तो आज ये कांड नहीं होता। दूसरी बात बता दूं आपको कि पूरा राजपूत समाज, सभी 36 कौमें साथ हैं। आज ये जो हुआ, कोई ना कोई रंजिश या किसी कारण हुआ है, कोई तो रीजन है। जब गार्डों के पास अंदर गए तो गार्डों ने अंदर घुसने दिया, चाय पिए, चाय बैठ के, या तो ये प्री प्लान था या रेकी थी या किसी व्यक्ति ने अंदर सूचना दी, कुछ तो हुआ, कुछ तो गंदगी हुई है, तो ये गंदगी का निस्तारण होना चाहिए। आपकी आंखों में आंसू है, देखिए साथी कुछ बोलना चाहोगे आप? कुछ भी, मैं तो मेरा भाई चला गया बस, वो गरीबों का मसीहा था, मेरा भाई का मसीहा था, सबके लिए बोलने वाला था वो, बाकी सब ये भी समर्थक काफी गंभीर है, दे चुके हैं पुलिस को, तो सुरक्षा का मिलेगा, इसका जवाब बहुत करना मिलेगा पूरे राजस्थान को। मतलब आप ये देखिए, काम करने वाले व्यक्ति के साथ में ये अन्याय हुआ है, एक साल से काम करने वाला व्यक्ति जो सभी समाज को साथ लेके चलता रहेगा, जिसकी कोई याद नहीं।